वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अहमदी ब्यूटिक। यहाँ हम आप लोगों के लिए सिलाई और कटाई के सबसे आसान तरीके लेकर के आते हैं, जिससे कि आप आसानी से सिलाई कटाई कर सकते हैं। चलिए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारा वीडियो है सिंपल सूट कटिंग का, जो कि बहुत आसान तरीके से है। तो चलिए देखते हैं हम अपने इस वीडियो को। ये मेरा रियोन कपड़ा 1 मीटर है, इसके पे हम साधारण कुर्ती के कटिंग करेंगे। लंबाई हम 34 इंच लेंगे, सीना हम 36 इंच लेंगे। अब इस कपड़े को हम 4 तरफ मोड़ देंगे। ये लंबाई की तरफ से कपड़े को हम मोड़ देंगे। ये लंबाई की तरफ से 4 तय कर देंगे। इसको 4 तय कर करके हम इसमें से लंबाई और सीना निकालेंगे। इसकी लंबाई 34 इंच लेंगे और सीना 36 इंच लेंगे। इसकी लंबाई 34 इंच यहाँ से लेंगे और 8 इंच सीना लेंगे। सीना का चौथा भाग 8 इंच लेंगे। अब इधर से भी लंबाई मिला देंगे 34 इंच। इस तीनों स्थान को हम मिला देंगे। अब ये इंच मेरा, ये 34 इंच लंबाई है, इसमें 1 इंच नीचे मोड़ने के लिए ले लेंगे। मोड़ने का लंबाई में से ले लेंगे। ये मेरा सारा कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए। अब इससे हम लंबाई में बंद तरफ से, किधर मेरा बंद भाग है उधर से हम गला का हिस्सा लेंगे, 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे, 4 इंच कंधा लेंगे। अब लंबाई में हम 7 इंच लेंगे। ये तो अपना पहनने का, जिसको जितना लंबाई पहनना है उसके हिसाब से लेना है लंबाई के लेकर लेंगे। अब बाजू की लंबाई 6.5 इंच, आर्मोल की लंबाई 6.5 इंच लेंगे, 6.5 इंच लेंगे। अब यहाँ हम सीना, यहाँ 36 इंच सीना था, यहाँ हम 8 इंच लिए, 2 इंच यहाँ सीने की सिलाई के लिए बढ़ा कर लेंगे, 2 इंच सिलाई के लिए साइड से ले लेंगे। पूरी लंबाई हम 2-2 इंच बढ़ा देंगे सिलाई के लिए। कमर की तरफ साइड का हिस्सा हम बंद भाग 12 इंच लेंगे, यहाँ से 8 इंच कमर का हिस्सा लेंगे, 2 इंच यहाँ से हम बढ़ा करके सिलाई के लिए ले लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच फिटिंग का हिस्सा दे देंगे, यहाँ से मिला करके फिटिंग का हिस्सा दे देंगे। 2 इंच हम आर्मोल का लेंगे और इसको भी गुलाई निशान बना देंगे। और डिजाइन दे, गले में डिजाइन देना है जिसको जो पसंद है। अब हम पीछे में गोल गला के लिए निशान लगा देंगे, 1 इंच कोना कोनी लेकर करके लगा देंगे। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे।
यहाँ से हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम साइड के फिटिंग के कटिंग कर देंगे 1 इंच लंबाई में। अब यहाँ से आर्मोल की कटिंग कर देंगे। अब अंदर का साइड कटिंग करके दोनों पल्ला को अलग अलग कर देंगे, गला की कटिंग कर देंगे, पीछे का गोल देंगे और आगे का तो अपना जो डिजाइन देना है वो दे सकते हैं। पीछे गोल गले की कटिंग कर देंगे। ये मेरा गोल गला हो गया पीछे का। पीछे भी अगर डिजाइन देना चाहते हैं आप तो दे सकते हैं। ये मेरा आगे का पल्ला हुआ, इसमें हमको डिजाइन देना है। इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। जैसे हम 2.5 इंच गला का चौड़ाई लिए थे और 7 इंच लंबाई लिए थे वैसे ही ले लेंगे। आपको जितना डीप गला पहनना उसके हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। अब यहां से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये मेरा आगे का पल्ला हो गया और ये पीछे का, आगे का बाजू का आर्मोल का थोड़ा सा बेसी काटेंगे 1/2 इंच। अब हो गया मेरा ये दोनों पल्ला आगे और पीछे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की लंबाई 5 इंच लेना है और चौड़ाई 8 इंच। 4 भाग में चौड़ाई लेना है, 4 भाग में 8 इंच चौड़ाई लेना है और 5 इंच लंबाई लेना है। 5 इंच में हम खुला के तरफ 2.5 इंच निशान लगा देंगे। इसको फिर गुलाई में ऊपर की तरफ मिला देंगे, बाकी को भी यहाँ मिला देंगे। दस इंच अगर सीना है, अगर 36 इंच का सीना है तो चौड़ाई बाजू की चौड़ाई 8 इंच लेंगे और चौड़ाई 8 इंच। अगर मेरी बाजू की लंबाई 5 इंच से बेसी है तो हम 3 इंच का निशान दे करके तब गुलाई करेंगे। 5 इंच में 2.5 इंच निशान देंगे और इसको हम फिर बाजू का डिजाइन बना करके ऊपर की तरफ मिला देंगे।
बाजू की लंबाई 5 इंच से बेसी है तो हम 3 इंच पे कटाई करेंगे। गाइस, ऐसे ही आसान तरीके से सिलाई सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।